जी वी हैव वी हैव स्टार्टेड द इकोनोमेटिक्स इन द लास्ट क्लास एट द कैंपस, और वहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक्स जो कि इकोनोमेटिक्स की होती हैं, जो आप लोगों ने यकीनन एमएससी लेवल पर या ग्रेजुएट लेवल तो की होंगी, वो हमने थोड़ा सा रिपीट किया था, और मैं उसी चीज़ को दोहराना चाहूँगा। और हमारे यहाँ पर इकोनोमेट्रिक्स को दो हिस्सों में रखने का या दो पार्ट्स में रखने का एक मकसद जो था वो यही था कि इकोनोमेट्रिक्स वन में आप लोगों को तमाम बेसिक्स आइडियाज थोड़ा सा रिकॉल किए जाएँ। वजह सिर्फ ये है कि बहुत से लोग इकोनोमेट्रिक्स पढ़ के तो आते हैं लेकिन उसको उस तरीके से समझ नहीं होती कि जो को आगे बेहतर तरीके से उसको फॉलो अप कर सके। सो दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी इंटरेस्टेड टू डिलीवर द बेसिक्स ऑफ द इकोनोमेट्रिक्स इन इकोनोमेट्रिक्स वन, और फिर इकोनोमेट्रिक्स टू में इसके कुछ एडवांस लेवल है जहाँ पे आपको बाकायदा मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है थ्रू सम सॉफ्टवेयर्स। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस सेशन में इकोनोमेट्रिक्स वन में भी उन तमाम सॉफ्टवेयर से एक्वेंट कर दूं कि किस तरीके से आप यूज़ करते हो इकोनोमेट्रिक्स के सॉफ्टवेयर जो हैं, लाइक आपके एसपीएसएस हो गया, आपका ईव्यूज़ हो गया, या आपका स्टेटा हो गया, और इवन अगर मुझे थोड़ा सा और मौका मिल गया तो मैं एमस की तरफ भी जाऊंगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसको थोड़ा सा रिग्रेसली हमने देखना है, लेकिन पहले उससे मिड टर्म तक हम कोशिश करेंगे कि पहले जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम कवर कर लें। और इसके लिए मैंने स्टार्ट किया था मेथोडोलॉजी से, अगर आपको याद हो। बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से एक इसको एक मिनट मैं इसको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इसको अच्छा इसके अलावा कुछ बुक्स हैं वो आपकी नॉलेज में होना ज़रूरी है, जो कि इसको ऑफ किस तरह करेंगे भाई, चलो खैर छोड़ दें इसको। अच्छा, इसमें कुछ बुक्स हैं वो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, वो मैंने इधर सामने लिखी हुई हैं, ये रही आपकी वो बुक्स। इसमें कुछ चार या पांच बुक्स हैं, वैसे तो इसके अलावा भी अच्छी अच्छी बहुत सारी और भी बुक्स हैं, लेकिन कम से कम ये आपकी स्टडी के अंदर होनी चाहिए लाजमी। गोल्डरिज की बुक है आपके पास, जेम्स एंड वाटसन की बुक है, गुजराती की बुक है, मडाला की है, कोटशानस की बुक है, सारी मेरे पास सॉफ्टवेयर में मौजूद है और सॉफ्ट कॉपी उसकी मौजूद है, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। और जहाँ तक बात इसकी मेथोडोलॉजी का है, उससे हमने स्टार्ट किया था, हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमने मेथोडोलॉजी स्टार्ट किया था कि भाई इकोनोमेट्रिक्स जो है इज द प्रैक्टिस, जिससे मैंने आपको बताया कि इकोनोमेट्रिक्स जो है ये लर्न करने की चीज़ नहीं है, बल्कि इकोनोमेट्रिक्स जो है इट इज़ ऑल द वे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। एज वी नो बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इकोनोमेट्रिक्स इज बीइंग यूज्ड और इज बीइंग प्रैक्टिस एज अ टूल to investigate, to analyze some empirical investigation in research, and you have already gone through some statistical operation as well. You know very well about the regression, you know very well about the correlation. So all these kind of practices, उसके पीछे जो एक theme है, idea है, ये सब आपका econometrics का हिस्सा है। और इकोनोमेट्रिक्स जैसा कि मैंने कहा कि एज इट इज़ अ प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू लर्न, इट इज़ टू प्रैक्टिस। एक्चुअली इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और ऑल ऑफ यू जितने भी आप लोग हो मस्ट डू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस, आपको इस चीज़ों को यूज टू होना चाहिए। इट मीन्स दैट आफ्टर सम सेमेस्टर्स और आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम ईयर्स यू मस्ट नो हाउ टू डील, हाउ टू प्रैक्टिस इट। भले आपको थ्योरी याद हो या ना हो, नो मैटर यू remember the theory, you no matter you remember the notes, but you must know
how to deal this econometrics in some softwares. उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, टेस्ट्स हैं, फिर उसमें मॉडल्स बहुत सारे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. बट ऑल दीज थिंग हाउ कैन आई गेट टू नो अबाउट दीज थिंग, दैट इज एक्चुअली व्हाट आई एम कॉलिंग द मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस समथिंग, इट गोज सम गोज फ्रॉम स्टेप टू स्टेप मेथड. So econometrics is also a practice, so it is also embedded some stepwise methodology, or that methodology is in different kind of steps. It is presented in front of you in the screen, so you can see that econometrics is running through some stages. That is identification of problem, and then after that identification of relationship, after that it is specification of relationship, then identification and specification of model, collection of data, estimation and interpretation of data, testifying and verification of estimates. Main yahan par thoda sa aap logo ko unmute kar raha hu sabko, kyunki mujhe unwanted thodi si voices aa rahi hai, to agar main mute kar dun to shayad aapko aapki taraf se koi awaaz nahi aayegi. Allow part मैं आप लोगों को भी अलाउ करता हूं कि अगर आप तो अपना माइक भी बंद कर सको, आप सिर्फ मुझे सुने. तो मैं इसको थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूं. हाँ, अगर इस दौरान अगर आपको कोई तस्वीर पिक्चर में मसला हो, या इसकी कह सकते हैं कि इसको सुनने में प्रॉब्लम हो, या अपने क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो, तो उसमें कोई एक रेज हैंड वाला एक ऑप्शन आता है, वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको फिर अनम्यूट कर दूंगा. ठीक है, और मैं हर 15-20 मिनट के बाद इसको अनम्यूट कर दूंगा, ताकि आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन वगैरह कर सकें. एनीथिंग, इससे पहले कुछ आपने कुछ कहना हो तो मैं हाजिर हूँ. एनीथिंग, ओके. अच्छा, फिलहाल इसको मैं म्यूट नहीं करता ना, क्योंकि आप लोग आ रहे हो तो आप लोगों को मौका मिलना चाहिए बोलने का. एनीवे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, एज आई से दैट द इकोनोमेट्रिक्स इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. Or why I am going to do econometrics? What sort of practice I'm doing in econometrics? Why I am doing it? ये आपको पहले पता होना चाहिए. You must know all of it, because obviously in economics you are dealing with variables. Either it is macroeconomic variable, microeconomic variable, and I said that the econometrics deals with the empirical analysis. And for empirical analysis, you need obviously some kind of mathematical formula. Some kind of mathematical technique, empirical techniques. So whatever you are doing in mathematics, whatever you are doing in statistics, you must know what kind of variable you are dealing with, because econometrics is an amalgamation of statistics, mathematics, and economics. Econometrics by itself is not a science, but it is amalgamation of all these three sciences. It is being written in the many books that the econometrics is the mixture or amalgamation of statistics and economics and mathematics. But when you are going to deal with the statistics or mathematics, obviously you are dealing with some calculation and Ismail, aap kuch puchna cha rahe sir? Ye recording on kar le. Recording on nahi hai. Nahi, no sir, meri taraf se on hai. The recording is from my side is on. ठीक है, चलें. ठीक है सर, फिर ही ऑन. ओके, सो वी मस्ट नो अबाउट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मींस फॉर व्हाट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस इकोनोमेट्रिक्स. ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि दैट आई एम डीलिंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर. आई माइट बी वर्किंग, आई वुड हैव बीन वर्किंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, आई वुड हैव बीन वर्किंग ऑन some kind of carbon emission. I'm working on employment. I'm thinking about foreign direct investment. I'm thinking about demand and supply. So there must be any kind of a idea, any kind of a theme behind my this econometrics practice. And you all of you must know about what the actual problem is for that you're going to practice econometrics. Because if the problem is not defined, if the problem is not elaborated in your mind, so let me tell you. That will make a very serious problems
for you, because many researches I have seen that many boys doing research, while doing research in their meantime, they stuck in some kind of a petty things, because they didn't thought much about their problematic issues, what they are going to what they're going to get from this econometrics. Okay, what they are going to get from econometrics, because they don't see the problem in detail. It's very simple thing that if I'm going to establish some kind of model between dependent variable and independent variable, I must know why the dependent variable is independent, why the dependent variable is dependent or endogenous. When I say some variable endogenous, so that means there's some kind of a characteristic, there's some kind of a assumption and specialties of having a endogeneity in the variable. And when I say the independent variable as exogenous, so what kind of characteristics that exogenous variable must have? So all these kind of issues must be understood before starting this practice. But if you are saying that the y is dependent variable, but you don't know what is dependency, so how can you get to the problem? If you see, or if you claiming that the particular independent variable x is affecting y, but you don't know how the x variable is explanatory variable, how the x variable is exogenous variable, what are the basic themes behind exogeneity? So the problem exogeneity or endogeneity must be very well informed and very well aware with the researcher or with the practitioners. So this is actually the identification of problem. You must know about your problem. If I say that the growth of Pakistan or growth of any country is being dependent on some kind of a factor productivity. So first of all, I have to prove, or I have to provide evidence that the growth is purely dependent variable. Growth is not self determined factor. Growth is a dependent variable. Then that the factor productivity is depending, or factor productivity is affecting the GDP growth. So I must have some kind of evidence that the factor productivity is the exogenous variable. So this is actually the basic issue of the problems. You must know about the identification of problem. One more thing, identification problem carries that along with this explanation of variables, you must know why this practice is necessary for doing empirical investigation. Matlab, why are you doing research on the topic? What would be the benefit of your research? What would be the contribution of your research? So all these things must be very well aware from yourself before practicing this econometrics. But if you don't know about dependent variable, why you have selected, why this study would be beneficial for the students, for the literature, for the upcoming readers, so you definitely would be stuck in some kind of a research phase. So problem identification, if you have aware of all these issues, then you go to the further step. So let's say if I dramatize all these things, let's say I'm working on employment, so that would be my problem. So what kind of problem with employment in Pakistan? I have to justify my research that the employment in Pakistan has something to be researched. There is something to research in the employment behavior in the Pakistan. And you know what I mean, the behavior. I have showed you the economic growth pattern in the last class, that how economic growth is going ups and having ups and downs in the span of time. And I showed you some kind of reasons behind that. So this is actually basic seeds of the problem. Because if you don't know that the any kind of variable have some kind of a pattern, and these pattern has some kind of fact behind, so you cannot explain your model clearly, explicitly. So let's say I have taken some kind of variable, just generalize it.
आई एम वर्किंग ऑन वाई फर्स्ट करें कि मैं जो भी वेरिएबल मैं स्टडी करने लगा हूँ वो वाई है. इट इज वाई वेरिएबल जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर बिकॉज इकोनोमेट्रिक्स इज वेरी वास्ट फील्ड. उसको मुझे सिर्फ वाई पे आके स्पेसिफिक नहीं कर देना चाहिए बिकॉज इकोनोमेट्रिक्स को हमने अभी तक हमने सिर्फ यही समझा है कि बस एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक इनडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिग्रेशन टेक्निक. सो ऑल दिस इज ऑल इकोनोमेट्रिक्स इज अबाउट बट नो इकोनोमेट्रिक्स इज फार बियॉन्ड दिस थिंग. बट लेटिंग स्टार्ट विद वन वेरिएबल वाई I'm taking it why. Why would be in, any kind of dependent variable. It might be a growth. It might be employment. It might be a demand. It might be a supply of any commodity. It might be a cost. So when I took a why as my case, so I have to define what is why. I have to define what the problem in the why exists in the phenomena. I have to explain the importance of research in investigating about the why. All these stuffs actually represented in identification of problem. So identification of problem having these issues. First of all, you have to define problem. Problem definition, what problem exists in the in why or employment or investment or FDI or interest rate or money supply or whatever. So you have to select one variable at one time. That is actually the basics of the econometrics. I don't mean that econometrics does not deal more than one variable. You can deal many variable at the same time in econometrics, but you have to provide some kind of evidence behind those all that phenomena what you are studying. So I'm starting with one variable. So obviously I have to explain that one variable with proper kind of definitions, problem and identification. And a statement of the theory or hypothesis. Obviously, if I am working on the employment, so before working on the employment, I have to study the employment in detail. What kind of theories says about employment? अभी आपके एक senior हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा. उन्होंने मुझे phone किया कि सर आप मुझे कोई अच्छा topic बताएं. तो मैंने कहा कि भी topic कोई भी हो research के लिए, आपने जब उसको उठा लिया है, so सबसे पहले आप जाकर उसका theoretical background पढ़ें. If you want to work on poverty, so first of all read the poverty. What poverty is, why, and if you are going to work on poverty, तो कौन सी ऐसी चीज़ है? What is that specific thing जिस पे आपको काम करना है? Because poverty, many researchers and many practitioners has worked marvelously. So what is left, which is not done, and which is on which you are interested to do. So ये सब चीजें आपको प्रूव करनी पड़ती है बिकॉज पॉवर्टी से मुताबिक बहुत सारी थीरीज हैं. इफ यू आर टेकिंग अनएम्प्लॉयमेंट सो देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान. व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट इज द रिसर्च टू इट इन इट. सो यू हैव टू स्टेट द थीरी और हाइपोथेसिस व्हाट यू आर गोइंग टू हैव. द हाइपोथेसिस यू नो वेरी वेल, हाइपोथेसिस इज द सेट ऑफ conclusive statements mean that your research or your study would be having some kind of a result, would be having some kind of a outcome, and if that outcome is purely empirical, so that must be embedded with the hypothesis statement. Matlab agar aapki ek empirical study hai, quantitative study hai, to usme aapko hypothesis phir zarurat padti hai. And it is not necessarily that the all researches must be having the hypothesis, because researches may be exploratory kind of research, researches may be some descriptive kind of research, causal research may you need some kind of hypothesis. So all these things must be very well defined before starting the theory or so the practice of econometrics. Economic theoretical background, as I said, that theoretical background is the same. I've said that the theory is in the behind of every kind of concepts. So you have to provide some logical reasoning of the problem. You have to justify your problem. All these kind of issues you have to deal in this identification of problem. अगर आप में से किसी ने कोई question अगर करना हो, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं.
कोई सवाल है आपके जहन में? एनी वन ऑफ यू? मैंने माइक खोल दिया आप लोगों का, आवाज आ रही मेरी सबको? जी सर। अच्छा गुड। अच्छा फिर सवाल अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम जरा थोड़ा सा तेज चलेंगे। बस ये सारी चीजें मैं पहले लेक्चर में कर चुका हूँ, सो आई एम डूइंग इट अगेन, तो मैं जरा स्पीड थोड़ी सी ज्यादा दूंगा। यस, अगर क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप हैंड रेज करके। ओके, द सेकंड स्टेप वाज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। इट इज अनदर फैक्ट दैट द इन इकोनॉमिक्स if we are working on some kind of variable, so we know that the in economics variables are not self-defined at all anywhere. Employment hai, wo employment self-defined nahi hoti, us pe bahut sare aur factors unke sath engage karte hain, theek. So you must be having some kind of a relationship. Let's say I'm taking one variable, just growth. Let's say if I'm taking one variable, growth, so what to do about growth? Ab agar maine ek variable uthaya hai, I've taken one variable, what to do with it? Ek variable ke sath mein kya kar sakta hu? I can see the mean of that variable. I can just do some kind of descriptive mean, that uska mean dekhu, uska standard deviation dekhu mukhtalif span of time mein. Is descriptive to kar sakta hu, but when I am going to expand this univariate, so phir mere paas agla step aata hai ki agar maine ek variable uthaya, I have to forecast for the future, because all the estimates, all the study of econometrics, all the calculation that lead us to forecast, I have to forecast. Because main growth ko study kyun kar raha hu, why I am doing it? Because mujhe forecast karna hoga. Ek variable maine uthaya sirf growth, to usse mera objective kya nikla ki maine agar ek variable uthaya growth ka, so usse mujhe ultimately aage forecast karna hai. और जब फोरकास्ट करना है तो इसका मतलब है कि वो एक वेरिएबल के जरिए फोरकास्टिंग कैसे होगी, एन इकोनोमेट्रिक्स एन स्टैटिस्टिक्स ऑल इट इज, जिसे कहते हैं ना मुत्तफिका अलैह है कि जब व्हेन यू आर गोइंग टू फोरकास्ट ग्रोथ, यू हैव टू टेक कंसीडर द पास्ट वैल्यूज ऑफ ग्रोथ, लैग वैल्यूज ऑफ ग्रोथ. तो यहाँ पे आपने बाई डिफॉल्ट एक रिलेशनशिप काउंट कर ली, दैट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ग्रोथ इज dependent on the previous values of growth. So aapne ek relationship define kar liya na. So that's how in economics, either you are taking one single variable, it is not a single variable, it may embed some kind of a relationship of its own. Ab growth jo hai, aage wali growth apni hi growth ki pichli values par depend karti hai. So again the matter of dependency and independency comes, again it is a matter of association comes here. So you have to identify the relationships. तो ये तो मैंने एक वेरिएबल की बात की थी, बट इफ आई एम गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ अदर इश्यूज, कि भाई आपके डिमांड जो है वो प्राइस पर डिपेंड करती है, या डिमांड का प्राइस के साथ ताल्लुक है, डिमांड का सप्लाई के साथ ताल्लुक है, सप्लाई डिमांड को बराबर होना चाहिए, ठीक. सो ये चीजें मैटर करती हैं. मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं हमारी की स्टूडेंट आप में से कॉल कर रही है, मुझे जस्ट वन मिनट, मैं इसको थोड़ा सा पास कर देता हूँ. जी हेलो, आप कॉल कर रहे थे? जी हेलो, जी अच्छा जी, सॉरी इस्माइल जी, जी आपके पास सादिया गौहर का कांटेक्ट है कोई? जी सर है. उनको जरा ये अपना हमारी मीटिंग का जरा सेंड कर दीजिए, ताकि वो उस पे, ठीक है सर, ऑनलाइन, ठीक है सर, आप कैरी ऑन करें. अच्छा जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, मैंने, अच्छा जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप goes for the many kind of study, that is one correlation. अभी तो मैंने एक वेरिएबल की बात की थी, where I have taken one variable growth. So growth मैंने इसलिए लिया कि जो मैं forecasting कर सकता हूँ, तो मैंने growth की future value के लिए growth की past values को engage करना है, तो that is actually the relationship. Similarly, when I am going to take many variables, तो हर variable किसी दूसरे variable के साथ relate करता है.
In economics, none of variable is self-explanatory. Let me tell you. आप खुद जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कोई भी वेरिएबल जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है. ऑल आर एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ अदर वेरिएबल. अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसकी कुछ रीजंस हैं, ग्रोथ आ रही है उसकी कुछ रीजंस हैं, एम्प्लॉयमेंट इफ टेकिंग प्लेस देन ऑब्वियसली इट हैज सम काइंड ऑफ रीजंस बिहाइंड. इफ द प्राइसेस आर गेटिंग अप राइज एंड फॉल, सो देयर आर सम काइंड ऑफ रीजंस बिहाइंड. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप. आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, इससे हमें थोड़ा सा जनरल मतलब ये मिल रहा है कि सर इस तरह तो ये हो सकता है कि अगर मैं सपोज फर्स्ट करने डिमांड में बात करता हूँ, डिमांड इज हैविंग मल्टी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. तो ये बड़ी बहुत एक लंबी चौड़ी डिबेट हो जाएगी कि डिमांड बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करती है. सो जब हम बात करते हैं रिसर्च की ना, तो रिसर्च की जब हम लिटरेचर में जाते हैं तो उसमें सारी डिटेल ही होती है कि भाई डिमांड जो है वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से डिटरमिन्ड होगी, किस किस तरीके से वो रिलेट करती है दूसरे वेरिएबल पर. तो यही सारी हम लिटरेचर रिव्यू में डिस्कशन करते हैं. आप देखिएगा अभी इसकी कंसेप्चुलाइजेशन कहाँ से हो रही है, लॉजिकल रीजनिंग्स. अगर आप डिमांड में बात करते हो तो यू आर प्रोवाइडिंग लॉजिकल रीजनिंग दैट द डिमांड इज हैविंग एसोसिएशन विद सम काइंड ऑफ अदर वेरिएबल्स. और वो लॉजिकल रीजनिंग ऑब्वियसली आप टेकअप करते हो फ्रॉम द लिटरेचर, फ्रॉम द प्रीवियस ऑथर्स, फ्रॉम द प्रीवियस स्टडीज, and economic and theoretical justification provide karte ho. You provide economic and theoretical justification from the from your books, from your authors, from your writers, then complies with the reality. Phir aap usko ek reality ke sath comply karte ho. It's very simple that if let's say I'm working for poverty in Pakistan, then obviously poverty in Pakistan is held different kind of issues than the poverty in India. Poverty to aapke America mein bhi kahin na kahin hai. So how can I justify that the poverty has kind of a same issues in all over the world? No, it is not like that. Poverty, if I'm taking into America or USA, that would be having some kind of different dynamics. But if I'm taking this poverty into in Pakistan, so Pakistan is having a different dynamics of poverty. India is having a different dynamics of poverty. So that's why these kind of issues must have been taken into consideration while identification of relationship. Let me tell you that sometime, I don't know if you have an idea or not. But when the management kind of students, when they make a questionnaire for research, तो वो क्या क्या करते हैं, वो अमेरिका का क्वेश्चनियर उठा लेते हैं. दे टेक द सिंपली अडॉप्ट द क्वेश्चनियर एस्टैब्लिश्ड इन अमेरिका और इन लंदन और इन यूरोप. अब अमेरिका में एक एस्टैब्लिश्ड क्वेश्चनियर जो बनाया गया है अमेरिकन पीपल के लिए, अमेरिकन सोसाइटी के लिए, सो हाउ कैन दैट क्वेश्चनियर वुड बी अप्रोप्रिएट इन पाकिस्तान. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. Because American dynamics अलग हैं, American responses अलग हैं, American consumer is a very different kind of psyche than the Pakistani consumer. So हमें इन realities को देखना होता है. Let's say if Keynes or some kind of other author have put some kind of theory, Keynes की consumption model है, we are having growth model of the solo. So Solow is so, Solow was the obviously Western economist, and he have put all the issues and thoughts from the from its own society. So ये चीजें हमें देखनी होती हैं कि भी where I'm taking that kind of relationships. So correlation है, causal relationship है, simple causality है, multiple causality है, simultaneity of the relationship. All these things must be identified in the relationship. What is correlation? Correlation, you know that when I'm taking two or more variable and I say that these variable have something to do with each other, that is degree of association. मतलब एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट का आपकी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई लेना देना है. वेयर इज एम्प्लॉयमेंट, वेयर इज इन्वेस्टमेंट, इफ देयर इज समथिंग टू डू विद द एसोसिएशन ऑफ दीज, तो दिस इज सम काइंड ऑफ अ स्टडी इज कॉल्ड कोरिलेशन. तो कोरिलेशन में आप सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन की बात करते हैं. कोरिलेशन में यू डू सच अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन.
कभी एम्प्लॉयमेंट का और जो है इन्वेस्टमेंट का कोई आपस में कोई लेन देन है, रबता है, कोई एसोसिएशन है, तो वो आप करते हो. देन देन माइट बी अ काजल रिलेशनशिप. काजल रिलेशनशिप होती है यहाँ पे आप व्हेन यू आर गोइंग टू डू और टू प्रैक्टिस द रिग्रेशन. When you took take one variable as dependent variable and one variable as independent variable, and you shape a theme that the independent variable have something, if some kind of effect on dependent variable, जो कि हमारी econometrics की एक basics हमारी theory रही है, practice रही है कि हम एक dependent variable कर देते हैं दूसरे को independent variable, that is causal relationship. So अगर रिलेशनशिप इस तरह की है तो आप उसको भी डिफाइन कर देते हैं उसके अंदर. अब सिंपल कॉजलिटी भी हो सकती है. व्हाट इज सिंपल कॉजलिटी? सिंपल कॉजलिटी वेयर योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन, जस्ट टू वेरिएबल, वन इज डिपेंडेंट वन इज इंडिपेंडेंट, दैट इज सिंपल कॉजलिटी. और मल्टीपल कॉजलिटी भी होती है व्हेन यू आर हैविंग अ वन डिपेंडेंट वेरिएबल मेनी डिपेंडेंट वेरिएबल्स. साइमल्टेनियस रिलेशनशिप हो सकती है when you are having not one dependent variable, you are having multiple dependent variables. Aapke paas do ek se zyada dependent variable ho jate hain. If you remember kabhi hamara jo Keynesian model hai, when we say that the consumption is the function of income, aur usi model mein kehte hain ki saving also is the function of income, usi phir model mein kehte hain ki investment is also the function of income. So you are combining different kind of function into one model. So that is kind of a simultaneous relationship. So is isko aapne is step mein explain karna hota. Any question in this slide, all of you? Okay. Then we move forward. That is specification of relationship. The specification of relationship. You can see that you have identify many relationships, but you are going to practice econometrics. Econometrics does not deal with the all issues. You have to select one. So that is a specification of relationship. भाई ठीक है कि आपने डिमांड का या ग्रोथ का या सप्लाई का या और किसी चीज के बहुत सारे रिलेशनशिप आपने एक्सप्लेन कर दिए, बट वट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर इंटरेस्टेड to practice. So you have to select a specific purpose or a specific relationship on which you are going to practice this econometrics. So that behavior of relationship must be explained. It means that yes, we know that the demand is the function of price and price of substitute and income and weather and falana and many more things. So that is generality. But what you are going to study? Why I will be doing demand against price and income only. So that is specificity. आपने देखा होगा ना, क्या लिखा होगा वहां पे, लिखा होता कभी demand is the function of income, fashion, weather and dot 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 dot. So that is general kind of issues. But the model what you are going to practice in the econometrics, that must be very specific. आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास डिपेंडेंट कितने हैं और इंडिपेंडेंट कितने हैं, बस ये आप बता दो कि आपने इस पे स्टडी करनी है. सो यू हैव टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप फॉर द इकोनोमेट्रिक्स प्रैक्टिस. देन आफ्टर दैट यू हैव टू टाइप द टाइप ऑफ, यू हैव टू डिफाइन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज लीनियर और नॉन लीनियर. अगेन इसकी कंसेप्चुलाइजेशन कहां से आती है, आपकी उसी लॉजिकल रीजनिंग से, द सेम इकोनोमेट्रिक्स एंड इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन and same compliance with the reality. हाँ, ये एक बार है कि इसमें testable होना चाहिए. Testability बड़ी जरूरी चीज है, because if you are going to conduct a empirical research, so उसमें testability का बड़ा important issue है कि आपने अपनी तमाम estimation को test भी करना होता है, verify करना होता है कि भी my either my estimations have something evidence of rejection or acceptance. इसमें फिर डेफिनेशन एंड स्केल ऑफ वेरिएबल, ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो जो मैं आपको आगे जाके इस चीजों को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको इसका हवाला देता रहूंगा कि हमने मेथोडोलॉजी में कहां जाके पढ़ा था. एंड देन व्हेन जब आप स्पेसिफाई कर लेते हो रिलेशनशिप, देन यू गो फॉर आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल.
obviously, when I am engaging many variables, let's say two variables, y and x. So y and x, first of all, I have to tell in the specification of relationship that the what kind of association or what kind of relationship between the y and x exist. That is specification of relationship. मुझे बताना पड़ेगा कि भी आपकी इस y और x के दरमियान किस तरह की relationship है, क्या इनमें correlation है, क्या इनमें dependency independency का issue है. तो अगर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी का इशू है तो वाई और एक्स में कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन अफेक्टी है और कौन अफेक्ट करने वाला है. ठीक है ना. सो ये चीजें आपको बतानी पड़ती हैं. उसके बाद फिर आप मॉडल की तरफ आते हो. मॉडल बहुत सारी तरह के, आप देखिए मैं आपके सामने सिर्फ रिग्रेशन की 15 टाइप्स लिखी हुई है, सिर्फ रिग्रेशन की. बाकी तो छोड़ दें, बाकी मॉडल इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिग्रेशन की 15 टाइप्स है जिसपे आपने सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिग्रेशन पढ़ी होगी. हमने अभी तक इकोनोमेट्रिक्स में मास्टर्स लेवल पर, ग्रेजुएट लेवल पर, वी हैव गॉन फॉर जस्ट ओनली लीनियर रिलेशनशिप. कि एक डिपेंडेंट है, एक या दो इंडिपेंडेंट है, बस उसको उठा के जो है ना रिग्रेशन मॉडल लगा दो. बट रिग्रेशन हैव मेनी अदर टाइप्स एज वेल. पॉलीनोमियल रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक है, क्वांटाइल है, रिज रिग्रेशन है, लासो है.